कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी तो बाद लगातार पंजाब की सियासत भखती नज़र आ रही है। हुण राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस मामले ते डीजीपी गौरव यादव तो डिटेल रिपोर्ट मंगी है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिख के डीजीपी कोलों जवाब मंगया। इस नाल ही राज्यपाल ने एसआईटी कोलों भी पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। दरअसल सुखपाल खैरा नूं गिरफ्तार किए जाण तों बाद सरकार ने नशा तस्करी नाल उन्हां दे संबंधां दी जांच लई एसआईटी दा गठन किया सी। तस्दीक है खैरा की गिरफ्तारी खिलाफ पंजाब कांग्रेस के सीनियर आगुआ के वफद ने राज्यपाल नूं मिल गए खैरा की गिरफ्तारी नूं सियासी बदलाखोरी करार दिंदिया उन्हां नूं मामले दखल देने की बेनती की थी। जिस तो बाद राज्यपाल ने डीजीपी गौरव यादव तो चिट्ठी लिख डिटेल मंगी है। इस मामले की जांच लिए गठन की एसआईटी को भी स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। कांग्रेस पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई में लैके भड़की हुई है ते पंजाब सरकार ते पुलिस खिलाफ रोस प्रदर्शन भी कर रही है। तो इस विचाले एक बार मुड़ पंजाब सरकार ते गवर्नर आमो सामने हो गए हैं। दरअसल बीते लंबे समय तो कई मामलों में लैके पंजाब सरकार ते राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित लगातार एक दूजे खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। यह मामला उदों ज़्यादा पक गया जदों राज्यपाल ने सरकार के विशेष सैशन दौरान पास किए चार बिलों नूं मंजूरी देने तो इनकार करदे पूरे सैशन नूं ही गैर कानूनी ऐलान दिता सी। हुण एक बार मुड़ तो सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके दोवां विचाले तकरार होर वधन दा खदशा जताया जा रहा है। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।